ये दिल की लगी, दिल की लगी। अरे जल्दी आओ, जल्दी आओ, जेवर लेकर आई हो तुम? हाँ आ गई। ओके जल्दी करो, लेट्स गो। चल तू बा, रुको तू बा। आओ यहां रख दो, बस तुम जाओ। तूबा तुम हमारे साथ खाना खाने नहीं आई? अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारा खाना यही रूम में मंगवा लिया, तुम इजी होके ना यही खा लो। भाभी मुझे भूख नहीं है। तूबा कैसे भूख नहीं है? हमसे खफा होकर अपने आप को इस कमरे में तुमने बंद कर रखा है। अब तो तुम्हें असल वजह पता चल गई है ना, तो नाराजगी किस बात की? माना इंसान से गलती हो जाती है, अपनों पर तो भरोसा किया जा सकता है ना। तुमने उस लड़के पर अंधा भरोसा किया, एक बार भी नहीं सोचा अपने बाप और भाई की इज्जत का, मुंह उठाया और चल पड़ी उसके साथ। आंटी हमें इन सब बातों को भूल जाना चाहिए ना, देखें अल्लाह का शुक्र है कि कुछ बुरा नहीं हुआ। धूपा की तबीयत बहुत खराब है, बहुत अपसेट है वो, प्लीज आप इसे मत डांटे। बुरा क्या नहीं हो रहा, वो शख्स इसके लाखों के जेवर लेकर चला गया। मैंने अरसल से कहा अगर तुम्हें ताबिश का असल ठिकाने का पता है तो जाओ पुलिस को वहां लेकर जाओ और उसको गिरफ्तार कराओ, सजा दिलवाओ उसको। लेकिन नहीं, उसने साफ कह दिया कि मैं इस मामले में कुछ नहीं करूंगा, जो कुछ करना है आप खुद करें। आंटी आप मत परेशान हो, मैं बात करती हूँ अरसल से, मैं करती हूँ। कोई फायदा नहीं है, ना वो मेरी और ना तुम्हारे बाबा की सुन रहा है, उसे सख्त गुस्सा है और गुस्सा उसे इस लड़की पर है। उसने आज तक कभी भी इसकी कोई भी बात रद्द नहीं की है, जो उसने कहा हमेशा इसका माना, मगर इस लड़की ने अपने भाई की मोहब्बत को उसकी आजमाइश बनाकर रख दिया है। अब रोने धोने से कोई फायदा नहीं है, अगर तुम्हें जरा भी एहसास है अपनी गलती का और पछतावा है ना, तो निकलो इस कमरे से बाहर और जाओ जाकर अपने बाबा और भाई से माफी मांगो। रहा माली नुकसान, उसे हम तुम्हारे सदका समझकर भूल जाएंगे। उमेर नाश्ता तो कर ले। मेरा नहीं मूड नाश्ता करने का। लेकिन आपने रात में भी कुछ नहीं खाया था। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मैंने रात को खाया था या नहीं खाया था? देखियो मैं झूठ नहीं बोलती और ना कभी खुद को सही साबित करने के लिए झूठ का सहारा लेती, और शायद इसलिए मुझे इस चीज का अंदाजा भी नहीं है कि जो लोग झूठ बोलकर लड़ाइयां जीतते हैं उनसे कैसे निपटना चाहिए। अंबर आपी ने तो बस कर दो, क्यों अंबर आपी के पीछे पड़ गई हो? हाँ क्यों मेरी बेटी के दुश्मन हो गई हो तुम? अरे तुम्हारी वजह से पहले भी इन दोनों में झगड़ा हुआ, क्या बिगाड़ा उस बच्ची ने तुम्हारा? इतनी तर्क कलामी हुई थी दोनों में और आज फिर तुम एक महाज खोलकर बैठ गई हो। आंटी महाज मैं नहीं, आप और अंबर आपी खोलकर बैठे हैं, आप और उनकी वजह से मेरे और अमेर के बीच में हर दिन झगड़ा होता है। हालांकि मैं तो सुन रहा, तुम सुन रहा अपनी बीवी की बातें, कैसे इल्जाम लगा रही है मुझ पर और अंबर पर? कब हुआ है तुम दोनों का झगड़ा हमारी वजह से? बताओ बताओ ना कब हुआ है? अरे मैंने तो अपना पूरा घर इसके सुपुर्द कर दिया, चाबियां इसके हवाले कर दी, खुद एक कोने में कमरे में बैठी अल्लाह अल्लाह करती रहती, और ये तो पूरे घर में ऐसे दनदनाती फिरती है। यकीन करो कल भी मेरी बच्ची ऐसे रोते में गई है, उसे बात नहीं करी, उसे पूछा भी नहीं, सारी रात परेशान रही है मेरी बच्ची, रोती रही है। बस कर दे आप लोग, बस कर दे। दफ्तर जाने लगो तो लड़ाई, दफ्तर से वापस आओ तो झगड़ा, चाहते क्या है आप लोग? अब मैं घर ना आऊं? ठीक है मैं आज के बाद घर नहीं आऊंगा। अरे
मैंने ऐसा कब कहा है? झगड़ा तो तुम्हारी बीवी ने शुरू किया है। हाँ वहां तुम मुझ पर गुस्सा उतार रहे हो। तो ठीक है फिर, मैं इसे इसके घर भेज देता हूं। यही है ना आप सबकी नाराजगी की वजह? मैं इसे निकाल देता, उसके बाद आप सुकून से रहे। जैसे तुम्हारी मर्जी। फरवा, तुम अपने घर चली जाओ। तुम्हारी वजह से मेरी और मेरी फैमिली की लाइफ में बेसुकूनी आई है, इसलिए अंबर को बताती हूँ अभी फोन कर कर, बहुत खुश होगी। कैसे इल्जाम लगा रही है मुझ पर और अंबर पर? कब हुआ है तुम दोनों का झगड़ा हमारी वजह से? बताओ, यकीन करो, कल भी मेरी बच्ची ऐसे रोते में गई है, इसे बात नहीं करी, उसे पूछा भी नहीं। मैं इसे इसके घर भेज देता हूँ। यही है ना आप सबकी नाराजगी की वजह? तो मैं इसे निकाल देता, उसके बाद आप सुकून से रहे। जैसे तुम्हारी मर्जी। फरवा, तुम अपने घर चली जाओ। पता है शामजे, इंसान अगर खुद सही हो तो दुश्मन जितना चलाक हो एक ना एक दिन जरूर हारता है। मैं तुम्हें यही कहूंगी कि मैदान छोड़कर दूसरे को उसकी जीत की खुशी मनाने का मौका मत देना। दोनों में और आज फिर तुम एक महाज खोलकर बैठ गई हो। आंटी महाज मैं नहीं, आप और अंबर आप ही खोलकर बैठे हैं। आप और उनकी वजह से मेरे और अमेर के बीच में हर दिन झगड़ा होता है। क्या वाकई उमर ने बोल दिया उसको भी चली जाए? अरे हाँ हाँ, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? सुबह सुबह खड़ी उमर के कान भर रही थी, मैंने सुन लिया। तो मैंने ऐसी सुनाई ना कि क्या बताऊं। अच्छा फिर अम्मी? बस उमर को गुस्सा आ गया और उसने कहा जाओ तुम अपने घर। अच्छा चेक करके बताया वो गई कि नहीं गई? हाँ हाँ चली जाएगी। अब कोई शौहर हाथ पकड़कर धक्के देकर तो नहीं निकालेगा ना। मुझे लगता है कि आज चली जाएगी वो। हाँ लेकिन मैं फिर भी नहीं जाऊंगी, चाहे मुझे हाथ पकड़कर निकाला जाए या धक्के देकर। आंटी जितनी बातें उमेर मुझे सुना कर गया है उसका आधा गुस्सा तो उन्हें आप पर था। मुझे तो लगा था आप नॉर्मल हैं, तो मैं क्यों उनके गुस्से पर अपनी इंसल्ट फील करूं? क्यों मैं अपने घर छोड़कर जाऊं? बात सुनो, ये घर तुम्हारे बाप का नहीं है। कल से ये अलार्म अलाप रही हो, मेरा घर मेरा घर मेरा घर। अरे उमेर मेरा बेटा है, मुझे कुछ नहीं कह सकता वो। उल्टा चार बातें मुझसे सुनकर ही गया है। बहुत अजीब लगा आपके मुंह से बेटा। आपका बेटा इतना दुखी होकर घर से गया और आपने फौरन से खुशखबरी सुनाने के लिए अंबर आप ही को फोन मिला। अफसोस तो इस बात का है कि आपने जल्दी पर तेल डाला, एक मिनट के लिए ये नहीं सोचा कि वो कल रात से भूखे हैं और अभी भी नाश्ते के बगैर काम पे गए। पूरा दिन उनका कितने स्ट्रेस में गुजरेगा, कोई काम नहीं हो पाएगा। हाँ अंबर। अम्मी आप परेशान नहीं हो, ये लड़की आपके बस की बात नहीं है। मैं आती हूँ, बताती हूँ इसे। हाँ तुम बात करिए ना इससे। अगर दूसरों के घर में आग लगाने से फुर्सत मिल गई हो
तो मेरे लिए नाश्ता भी बना दो, ऑफिस के लिए देर हो रही है मुझे। अरसल तुम बड़े हो, समझदार हो, तूबा छोटी है, बेवकूफ है। मैं मानता हूं उससे गलती हुई है और तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन उससे इतनी सख्त नाराजगी? डैड, आप जानते हैं कि मेरी एक हद है और अगर कोई उस हद को पार कर ले तो मैं। उसने जज्बाती होके बेवकूफी में ये कदम उठाया है। तो क्या हमारी इतने सालों की मेहनत, तरबियत, तवज्जो कुछ नहीं थी? एक मामूली और फ्रॉड शख्स के लिए वो ये घर छोड़कर जा रही थी। वो तो वक्त पे उर्वा ने देख लिया और मैं उसके पीछे चला गया, वरना हम क्या करते? और वो घटिया इंसान क्या करता उसके साथ? ऐसे लोग पैसों के लिए क्या कुछ कर गुजरते हैं, किस हद तक गिर जाते हैं, इसका अंदाजा है आपको? मैं समझता हूं अच्छी तरह इस बात। अगर समझते हैं तो डैड प्लीज, फिल वक्त मुझसे कोई ये तवक्को ना रखे कि मैं आला जर्फी का मुजाहरा करूं, क्योंकि इस वक्त मैं शदीद गुस्से में हूं। और तूबा से कहिएगा कि मेरे सामने ना आए। अरसल, आज मैंने पहली बार आपको इतने गुस्से में देखा है। कभी आपको इतना गुस्सा करते हुए नहीं देखा। आप तो हमेशा इतने काम, इतने पॉजिटिव रहते हैं। यह मेरा गुस्सा नहीं, बेबसी है। इस वक्त मैं तूबा को सजा भी नहीं दे सकता। तूबा को क्यों अरसल? तूबा तो आपकी बहन है। सजा देनी है तो ताबिश को दे। ताबिश से मेरा क्या ताल्लुक है जो मैं उसे सजा दूं? गलती तो मेरी बहन की है। उसकी गलती यह है कि उसने एक गलत इंसान पर भरोसा किया और उसकी खातिर वो एक ऐसा कदम उठाने वाली थी कि। लेकिन कुछ बुरा हुआ तो नहीं ना अरसल? मेरा भरोसा तो टूट गया। बचपन से लेकर आज तक उसकी जबान से निकला हर लफ्ज, हर ख्वाहिश पूरी की है मैंने। मॉम डैड ने उसके इतने नाज नखरे और लाड नहीं उठाए होंगे जितने मैंने उठाए। इनफैक्ट इस काम को लेकर भी मैंने ही उसे सपोर्ट किया, जबकि मॉम इसके शदीद खिलाफ थी, क्योंकि आए रोज इस फील्ड में न जाने क्या कुछ उल्टा सीधा होता रहता है। मगर मैंने उसका साथ दिया, उसको सपोर्ट किया, उसके साथ खड़ा रहा, सिर्फ इसलिए कि अगर उसकी ख्वाहिश है तो उसे इससे पूरा करना चाहिए, क्योंकि मुझे उस पर भरोसा था, मान था कि वो कुछ गलत नहीं कर सकती। जिंदगी में कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। अरसल फिर भी मेरे लिए इतना आसान नहीं है इसे भुलाना। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं कि अगर कोई मेरे यकीन को ठेस पहुंचाए या मेरे एतबार को तोड़े तो मैं सह नहीं सकूं। वैसे उस दिन तुम आंटी से झगड़ क्यों रही थी? वो कॉल कनेक्ट हो गई थी तो तुमने सब सुन लिया था? ऑफ कोर्स, क्यों झगड़ रही थी? हारू, अभी तो तुमने कहा कि तुमने सारी बातें सुन ली थी, तो तुम्हें झगड़े की वजह क्यों नहीं मालूम? तुम्हें सब पता है, फिर भी तुम औरतों की तरह जान के टोले रहे हो। वैसे तुम किस कदर अजीबो गरीब लड़की हो अलीना। आई मीन मेरी एब्सेंस में अपनी अम्मी अबू से मेरी फेवर में लड़ती हो और मेरे सामने मुझसे ही झगड़ती हो।
को तो मैं तुम्हें इसलिए डिफेंड करती हूँ क्योंकि वो गलत बात करते हैं, और जब तक उनसे झगड़ा ना करो उन्हें समझ नहीं आती कि वो ज्यादती कर रहे हैं। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है। वैसे मैं बता दूं, इस हफ्ते ना मेरी अम्मी का तुम्हारे घर आने का इरादा है। वो कह रही थी कि तुम्हारी अम्मी ने इनवाइट किया है। अब प्लीज मुझे बता दो कि क्या मैं उन्हें ले आऊं? आई मीन हालात वगैरह सब सेट है ना? तुम बिला झिझक ले आओ आंटी को, हालात अभी फुल कंट्रोल में। शुक्र है भाई, क्योंकि अगर अंबर भाभी की तरह अंकल आंटी भी वो शर्त रखते ना अलहदगी की, तो पता नहीं अम्मी का क्या रिएक्शन होता। मुझे मालूम है ये बात, फिर उनको लगता कि मुझमें और अंबर भाभी में कोई फर्क ही नहीं है, और मैं मरकर भी अंबर नहीं बनना चाहती। ओ हेलो, कोशिश भी मत करना, क्योंकि मुझे तुमसे जितनी मर्जी मोहब्बत हो ना, लेकिन आई एम सॉरी, ना मैं फरहान भाई हूँ और ना मुझमें उन जितना पेशेंस है। अच्छा, तो जब फरहान भाई स्टैंड ले रहे थे तो तुम्हें क्या जरूरत थी उन्हें ये मशवरा देने की कि वो अपना शेयर अंबर भाभी के नाम कर दे? चली गई थी ना वो अपने घर, रहने देते वहां उन्हें कुछ दिन, दिमाग ठिकाने होता तो खुद ही सही होता। अरे वो तो अलग मसला है ना, क्योंकि फरहान भाई स्टैंड नहीं ले रहे थे, वो कंफ्यूज थे, उन्हें दरअसल मुझसे और अम्मी से गो अहेड चाहिए था, जो भाई फिर मैंने उन्हें दे दिया। अम्मी को तो वैसे ही मिल चुकी थी, वैसे अम्मी का भी बड़ा बुरा हाल था, और तुम्हें पता है अम्मी वैसे भाभी से बहुत तंग है। जब जब फरहान भाई और भाभी का झगड़ा हो जाए ना, तो अम्मी बेचारी तो परेशान ही हो जाती। अच्छा अच्छा, ये सब तो चलता रहेगा, चलो अब अपना मूड ठीक करो। चलो ठीक है। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं कि अगर कोई मेरे यकीन को ठेस पहुंचाए या मेरे एतबार को तोड़े तो मैं सह नहीं सकूं। पता नहीं कब इस बोझ से निजात मिलेगी, कब मेरे अंदर का छुपा ये गिल्ट खत्म होगा। अगर वो उतरेगा भी तो कैसे? अरसल की बातों से मेरे अंदर का खौफ और भी बढ़ रहा। तोबा की यह गलती पर अगर वो अपनी सगी बहन से इस कदर खफा हो सकती तो मेरे साथ क्या सलूक करें? जी मैं कुछ कहना चाह रहा था। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके। मुझे अंदाजा है तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा, मैं तल्ख अंदाज में तुम्हारे साथ बात नहीं करना चाहता था, बस वो गुस्से में और प्लस आजकल जिंदगी में जो कुछ हो रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। उमेर, मैं आपको किसी भी तरह की टेंशन नहीं देना चाहती हूँ, और ना ही मैं उन लोगों में से हूँ जो हर वक्त झगड़े के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर कोई मेरी बिला वजह तस्दील करे या फिर मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाए तो मेरा हक नहीं बनता कि मैं अपने आप को डिफेंड करूँ? आप बताएं, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकती? हाँ फरवा, आई अंडरस्टैंड, आई डू, लेकिन फरवा तुम्हें आप ही से बहुत सोच समझ कर बात करनी है। उनसे सिर्फ सोच समझकर बात ही नहीं करनी चाहिए मुझे, बल्कि उनकी अगली चालों से भी होशियार रहने की जरूरत है मुझे। फरवा, क्या हुआ? कुछ नहीं। अगर मैं आपको वजाहत दूंगी तो आपको लगेगा कि मैं बुराई कर रही हूँ या फिर कोई शिकायत। नहीं लगेगा, मुझे मुझे पता है आप ही का वो नामुनासिब अंदाज में अक्सर बात कर जाती, इतना प्लीज तुम इग्नोर कर देना बस, दिल पर मत लेना। लेकिन फरवा, आई रियली वॉन्ट कि तुम अम्मी के साथ अपना रिलेशनशिप ठीक करो। ठीक है, आप भी मुझसे फिर खफा ना रहा करें। अगर मेरी कोई बात बुरी लगे तो प्लीज आप भी इग्नोर कर दिया करें, और प्लीज खाने पे गुस्सा नहीं उतारा करें, मैं रोज भूखी नहीं सो सकती। आज कहीं बाहर खाना खाने चले? नहीं, कल से मेरी छुट्टियां खत्म हो जाएंगी, स्कूल वापस से ज्वाइन करना है और सुबह जल्दी उठना है, इसलिए मैं आज नहीं जा सकती। तुम अब तक नाराज हो मुझसे? घर में हुए एक मामूली झगड़े की वजह से अगर मेरा शौहर मुझे घर से निकालने का हुक्म दे तो मेरा क्या हक नहीं है नाराज होने का? लेकिन मैं
मैं माजरत कर चुका हूँ ना, सॉरी। अगर आपके लफ्जों की वजह से किसी का दिल दुखे तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपने रवैये और अमल से आप उन जख्मों को हील करें, खाली माफी तलाफी से नहीं। मुझे तो खौफ है जैसे आपने पहले जज्बात में आके अपनी बीवी को छोड़ दिया था और आज आप उस पर शर्मिंदा हैं। कल आप मुझे भी नहीं फरवा, ये गलती मैं एक बार कर चुका हूँ, दोबारा नहीं करूँगा। उस गलती का पछतावा मुझे सारी जिंदगी रहेगा। जैसे हुआ जुदा, जैसे रूठे खुदा, उसे ढूंढू कहां, नहीं कोई निशान। इश्क दा रोग अगर लग जाए, पल पल बढ़ता जाए। ये क्या, तुम घर पे हो? मुझे तो लगा अपने मैके गई होगी। वैसे काफी दिन हो गए तुमने मैके गई नहीं, सब खैरियत तो है? ये क्या बात है, अगर अम्मी की तरफ जाऊं तो आपको मसला है, अब चार दिन से नहीं जा रही तो भी ताने देने हैं। मैं ताना नहीं मार रहा हूं, मैं तो बस पूछ रहा था कि सब खैरियत तो है ना, और कहना तुमसे बस ये चाह रहा था कि उनके मसलों में ना पड़ो, उनके घर का मसला वो सॉल्व कर लेंगे यार, तुम्हें बीच में बोलने की क्या जरूरत है? मुझे कोई शौक नहीं है उनके मसलों में पड़ने का, स्पेशली उर्वा के बाद तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलती। जो भी किया उमेर ने खुद किया, लेकिन मुंह मेरा काला हुआ। मेरी तो अम्मी मिन्नतें करती हैं इसलिए मैं जाती हूँ, वरना मैं तो महीना भी ना जाऊँ उनके घर। नहीं खैर, अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि तुम अपनी माँ के घर बिल्कुल भी ना जाओ, मैं बस तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनको गलत सलत उल्टे सीधे मशवरे मत दिया करो। नहीं, वो मेरा कहने का मतलब ये था कि उमेर की शादी बहुत मुश्किल से हुई है ना, तो वाह भाई, अगर आपको याद हो ना तो उसकी शादी कराने में सिर्फ मेरा ही हाथ है। मैं ही घूम रही थी दर बदर, मेरी माँ तो घुटने का दर्द लेके घर पे बैठी हुई थी। मुझसे कहाँ देखा जा रहा था अपने भाई की तकलीफ। मैंने देखा कि उर्वा का घर बस गया तो मैं कब तक अपने भाई को तकलीफ में देखती रहूं, तो मैंने भी तो उसके लिए हेल्प की। मगर उसने तो, मगर क्या, बस रहने दे, अगर मैंने कुछ कहा फरवा के मुताले तो आप यही कहेंगे कि मैं गलत हूँ। अच्छा चलो फिर रहने दो, लेकिन बहुत लंबी जुबान है उसकी, जुबान दराजी करती है, इतना घमंड है ना उसको अपनी सैलरी का। अच्छा, देखने से ऐसी लगती तो नहीं हो। बस करें आप, ज्यादा साइड ना लें उसकी। याद नहीं आपको किस घर से ब्याह के लाई थी मैं उसको? जहेज तक नहीं लिया, इतनी सादगी से हमने शादी की ताकि उसकी माँ पे कोई बोझ ना पड़े, लेकिन भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं। आपको पता है मैं उस दिन घर गई अम्मी के रोने धोने पे उनकी खबर लेने के लिए, तो आगे से मुझे कहती है ये मेरा घर है आपका नहीं, ऐसा को बोलता है क्या? वाकई उसने ऐसा ही कहा? हाँ ना, मैं चाहती तो उमेर से उसकी शिकायत कर सकती थी, लेकिन मुझे था क्या मैं उसके घर का माहौल खराब करूं, एंड पे कसूरवार तो मैं ही होती हूँ। बात तो सही है, मुझे तो लगता है कि औरत का कोई घर ही नहीं होता, माँ का घर भाई का हो जाता है और ससुराल तो। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम इस घर की मालकन हो, क्यों भूल जाती हो, ये तुम्हारा घर है। हाँ, इस घर में तो आधा हक मेरा है, आधा सही पर हक तो है। तो बस ठीक है, अब भाभी की कोई भी बात दिल पे लेने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही वहां पे घर पे ज्यादा आना जाना करो। अगर खाला ज्यादा इसरार करें तो उनको यहीं बुला लिया करो, लेकिन उनके घर जाके इंसल्ट कराने की कोई जरूरत नहीं तुम्हें। प्लीज, तुम्हें इतनी परवाह है मेरे इंसल्ट की? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक बात है यार, कोई तुम्हारी इंसल्ट करेगा मुझे क्यों अच्छा लगेगा, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। कम से कम मिलना जुलना रखो, इन लोगों के लिए यही बहुत है। रे, वाह, इसको क्या हो गया? भरोसा तो टूट गया, क्योंकि मुझे उस पर भरोसा था, मान था कि वो कुछ गलत नहीं कर सकती। क्या हो गया भाई? पहले तो बहुत जल्दी डिसाइड कर लेती थी कि मैंने क्या पहनना है, आज इतना टाइम लग रहा है, सब खैरियत है? हाँ, बस मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी आज। आई अंडरस्टैंड उर्वा, मैं जानता हूँ कि तुम परेशान हो, पिछले चंद दिन से घर में जो कुछ हो रहा है
उसकी वजह से सभी बहुत परेशान हैं। असल में आपके गुस्से और आपकी नाराजगी पे बहुत हैरान हूँ। मतलब अल्लाह ताला इंसान के इतने बड़े बड़े गुनाह माफ़ कर देता है, क्या हम इंसान एक दूसरे की छोटी छोटी गलतियाँ माफ नहीं कर सकते? क्योंकि वो रब है और हम इंसान, और वह दूसरे की गलती को ऐसे ही माफ नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला के सामने भी गिड़गिड़ा कर शर्मिंदा होकर माफी मांगना पड़ती है, तभी माफी मिलती है। लेकिन तूबा तो बहुत शर्मिंदा है अरसल। अच्छा, तो क्या एक बार भी उसने मुझसे या डैड से सॉरी करने की कोशिश की, या मैं खुद चलकर उसके रूम में जाऊं? क्योंकि वो पहले भी ढीठ बनकर अपने कमरे में घुसी हुई थी और आज भी अपनी ढिठाई पर कायम। नहीं अरसल, और वह प्लीज, मैं इन बातों को लेकर खुद को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। मुझे ऑफिस में वैसे ही बहुत काम है और मैं अपना फोकस अपने काम पे रखना चाहता हूँ। अच्छा, वो मैं अम्मी के घर जाना चाह रही थी, काफी दिन से नहीं गई। जाओ। हाँ ठीक है, तुम चली जाओ, लेकिन आज मुझे ऑफिस में काफी काम है और फिर उसके बाद साइट पे भी जाना है। मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा, ड्राइवर के साथ चली जाना। ठीक, ये मम्मी, मैं आपकी तरफ ही आ रही थी। मैंने आपके लिए नाश्ता बना लिया, आप खा लें, मैं बर्तन धो लूंगी और फिर मुझे आज स्कूल भी जाना है। ठीक है, लेकिन दोपहर के खाने का क्या होगा? वो मैं वापस आके बना लूंगी, और दोपहर के खाने के लिए कल का बचा हुआ भी है। है? तो अब हम क्या बासी खाना खाएंगे? मम्मी, आज मेरे पास टाइम नहीं है, कल से मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी सुबह उठ के दोपहर का खाना नाश्ते के साथ ही बना दो। चलो ठीक है, आज तो खैर है, लेकिन कल से ऐसा नहीं होना चाहिए। आज तो मैं जैसे तैसे करके ना गुजारा कर लूंगी, कल से सारा काम सुबह करके जाना, समझी? जी। बात सुनो, तुम्हें नौकरी करने की इजाजत दी है ना, तो मेरा एहसान मानो। अरे ये ना हो कि बहाने बहाने करके सारे घर का काम तुम मुझ पर डाल दो। अम्मी ऐसी बात नहीं है। सुना तो यार हो तुम। जी चलो, तुम्हें छोड़ देता। नहीं नहीं, अरे खुद चली जाएगी, तुम क्यों छोड़ोगे? अभी तुम्हारे ऑफिस जाने में इतना टाइम है, नाश्ता भी करना है तुमने, क्या फायदा है रोज जाती तो? अम्मी मैं वापस आकर नाश्ता कर लूंगा। रहने दो, मैं खुद चली जाऊंगी, मेरी वजह से आपको डबल चक्कर लगाना पड़ेगा। मैंने कौन सा पैदल जाना रहना है? अरे क्या हो गया, पेट्रोल दिन ब दिन इतना महंगा होता चला जा रहा है, खामखा बात भी बात गाड़ी ना निकाला करो। पर वह तो पहले भी बस में सफर करती थी, फिर कर लेगी, इसमें क्या बात है? पहले की बात और है अम्मी, अब फरवा मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए फरवा को मैं खुद छोड़ूंगा। चलो फरवा, देर हो जाएगी वरना। आप नाश्ता तो कर लें। वापस आकर बना कर खा लूंगा नाश्ता, परेशान मत हो। चलो। अच्छा मैं बर्तन धो के आ जाती। अरे ठहरा, खामखा मियाँ के सामने बर्तन धो कर आऊं? धो लूंगी मैं, इतने सारे पड़े हैं, धो लूंगी। जाओ तुम जाओ। मैं बैग लेकर। हाँ। उमेर चले? हाँ, वापसी भी तुम खुद मैनेज कर लेना, मैं उस टाइम तुम्हें पिक नहीं कर सकूंगा। एक काम करना, कॉल करके कैब मंगवा लेना, बस से मत जाना। जी ठीक है, मैं कल सुबह से भी कैब मंगवा लूंगी। उसकी क्या जरूरत है, जब घर में गाड़ी की सहूलत है, मेरे पास आपको ड्रॉप करने का वक्त है, तो कैब पे पैसे क्यों वेस्ट करोगी? जब मैनेज होता है तो पैसे क्यों जाया करें, क्या जरूरत है? मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप इतनी जल्दी उठें, और आपके दो दो चक्कर लगेंगे सुबह सुबह वो भी खाली पे। एक्चुअली मुझे अंदाजा नहीं था कि आप इतनी जल्दी उठ जाएंगे, वरना मैं अम्मी के नाश्ते के साथ आपका नाश्ता भी बना लेती। मेरी फिक्र में हलकान मत हो, आज इतने दिनों बाद स्कूल जा रही हो, अपना फोकस वहां रखो। गुड लक। उमेर, मुझे लगता है कि आपकी अम्मी को मेरा जॉब करना अच्छा नहीं लगता। लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी जिंदगी है, अगर आप जॉब करना चाहती हो तो इट्स ओके, घर बैठना चाहती हो नहीं करना चाहती, इट्स फाइन।
I'm with you. चले एक बार अपनी मर्जी मुसल्लत करके इंसान की खुशी छीन चुका हूं, दोबारा ऐसी गलती नहीं दोहराना चाहता। How dare you? अरे क्यों, तुम्हें अच्छी नहीं लगी क्या? ये सब झूठ है, तुमने ये एडिट किया है। अरे ये तो सिर्फ मैं जानता हूँ और तुम जानती हो, बाकी तुम्हारी फैमिली, सोशल मीडिया यूजर्स और मीडिया वाले ये थोड़ी जानते हैं। तुम क्यों कर रहे हो ये सब? जो तुम चाहते थे वो सब मैंने तुम्हें दिया है, मेरी ज्वेलरी, पैसे, हर चीज। अरे लेकिन वो बहुत कम है मेरे लिए। तुम सोचो, तुमसे शादी हो जाती तो मैं करोड़पति बन जाता यार। भूल जाओ मुझसे शादी, तुम जैसे घटिया इंसान की वजह से आज मैं अपने घर वालों से नजर नहीं मिला सकती। अजब, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम जैसी इडियट और बेवकूफ लड़की से शादी करने की। मुझे सिर्फ तुम्हारे पैसों से गर्ज है, मुझे मेरे पैसे दो वरना मैं तुम्हारी पिक्चर्स और वीडियोस वायरल कर दूंगा और फिर तुम बेहतर समझती हो कि क्या हो। और सुनो, 50 लाख रुपए चाहिए मुझे, 50 लाख। ओके ताबिश, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। हाँ हाँ, चली गई अब महारानी अपने काम पर। आज अकेली बैठी हुई हूँ। मैं सोच रही थी कि अगर तुम आ जाओ तो कितना अच्छा होगा, मेरा कुछ वक्त ही गुजर जाएगा। आप तो ऐसे कह रही है जिससे आपकी बहू सारा दिन आपके घुटने से लग के बैठी रहती है, पूरा दिन तो अपने कमरे में होती है, आपसे तो बात भी नहीं करती। अरे नहीं नहीं, ये तुम्हें किसने कहा? मैं तो उसे मुंह भी नहीं लगाती थी। हाल बता, वो आधे घंटे बाद आके मेरी खैरियत पूछती रहती थी और पूछती थी कि अम्मा क्या पकाना है, क्या पकेगा आज, ये सब। मैं नहीं उसे ज्यादा मुंह लगाती थी। हाँ अरे, पकाने से याद आया, आपके लिए दोपहर का खाना बना के गई है कि नहीं? नहीं, आज ना सिर्फ नाश्ता बनाकर गई है। कह रही थी बेचारी कि कल जल्दी उठूंगी तो खाना भी बनाकर जाऊंगी और बर्तन भी धोऊंगी। और फिर अंबर में अकेली जान, खाऊंगी भी कितना खाना, इतना रखा है फ्रिज में। बड़ी तरफदारी कर रही हैं आप उस बेचारी की। अरे अंबर, तरफदारी कहाँ, मैंने तो उसे सुना कर भेजा है। खूब, और कहा कि पहले ही भी बस में जाती थी तो अब भी बस में जाएगी, क्यों जाएगी भाई कार में ये? तो क्या उमेर उसे खुद स्कूल छोड़ने गया है? हाँ हाँ, तो और क्या। वाह भाई, बड़े लाड उठाए जा रहे हैं बीवी के। जब मैं जॉब करती थी ना तो फरहान को तो परवाह भी नहीं होती थी कि रिक्शे में आ रही है कि बस में। उन्हें तो बस उन पैसों से मतलब होता था जो महीने के एंड पे मैं जाके उनके सामने रख देती थी। और उमेर को देखो, इतना आगे निकल गया, अपनी नींद खराब करके बीवी को छोड़ने जा रहा है, क्या बात है। अरे बेटा, अपना अपना नसीब है, क्या कह सकते हैं। खैर, अब वापस तो वो रिक्शा या टैक्सी में ही आएगी ना। अब उमेर उसे दफ्तर से कैसे लेने जाएगा, कोई अपना काम छोड़ेगा वो क्या?
अम्मी क्या हो गया आपको? जन मुरीदी की दौड़ में लगा हुआ आपका बेटा, आपको क्या पता? एक घंटा छुट्टी लेके निकल जाए उसको लेने के लिए। अरे तो अपनी ही बचत होगी ना, कौन सा रिक्शा टैक्सी में पैसे कम लगते हैं? अच्छा है, गाड़ी में आ जाएगी, पैसे कम लगेंगे और क्या। अम्मी बसें भी चलती हैं, पता है ना आपको। अच्छा तुम इन बातों को छोड़ो, ये बताओ कि तुम आ रही हो कि नहीं, बाकी बातें यहाँ करेंगे ना। नहीं मैं आज बहुत मसरूफ हूँ, बहुत ज्यादा, बिल्कुल फुर्सत नहीं है मुझे। अच्छा भाई अच्छा, इतनी मसरूफियात निकल गई। अब ये बताओ मुझे कि कहीं तुम्हारे देवर की शादी तो नहीं हो रही? अरे वो कहाँ टल सकती है, गई है अपने बेटे को लेके, पता नहीं क्या करके आएगी। चले करती हूँ मैं आपसे बात बात। अरे मेरी बात तो सुन अम्मे, अरे लो आ भी नहीं रही और दुनिया जान की बातें कर दी। मैं तो बिल्कुल ही जन मुरीद हो गया, कुछ तो करना पड़ेगा। ये दिल की लगी।